बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समरकंद से तवील सफर तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। उसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सालार कुतैबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं, अगर दावत कबूल ना की जाए तो जिजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शरायत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मगलूब कर लिया गया है। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमानरवा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क्यामगाह का मालूम करते करते वो कासद एक ऐसे घर जा पहुंचा जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकमे वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था। वही अंदर से नमूदार हुआ। कासद ने अपना तारफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खत पढ़कर उसी खत की पुश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने अमल के नाम एक काजी का तकरर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी भी मायूस और अफसरदा हो गया। उसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के उस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कि कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी ना था। चुनाचे खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकम समरकंद के पास पहुंचे। हाकम ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तायुन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कुतैबा के लश्कर ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया, ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने हाकम को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? हाकम ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था, उसके कुर्बो जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जिजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्ज और शादाब और जोरावर थी। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने हाकम की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जिजिया या फिर जंग की खबर दी थी? हाकम ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया कि हमने मौका से फायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो, इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो अदल और इंसाफ की वजह से ही बख्शी है, ना कि धोखादही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके अहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की इमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं। समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेश की इतला और दावत के और 3 दिन की सोचो विचार के मोहलत दिए बगैर न आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफला दर काफला शहर छोड़कर जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फाते कौम कमजोर और मगलूब कौम को यूं दोबारा आजादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे।
कि ये कैसा मजहब है और ये कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मायार कि अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दें और ताकतवर सिपा सलार इस फैसला पे सर झुका कर अमल भी कर दें। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क्यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए उनको वापस ले आए कि ये आपकी सल्तनत है और हम आपकी रियाया बनकर रहना अपने लिए फख्र समझेंगे। दीन रहमत ने वहाँ ऐसे नकूश छोड़े कि समरकंद देकर शतक मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना रहा। कभी रहबरे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी हुआ करती थी। आज गैर मुस्लिम तो दूर की बात, मुसलमान से मुसलमान को कोई अमान नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों की मौजूदा हालत इजहार को क्या खूब अंदाज में बयान किया है। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम की सच्ची और मुबारक तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए ताकि मुसलमान की शख्सियत और उसके अखलाक व किरदार ही इस्लामी तालीमात का प्रचार कर सकें। आमीन। एक बार एक शरीर यहूदी ने महज शरारत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर की एक गुठली पेश की और ये शर्त रखते हुए कहा कि अगर आप आज इस गुठली को मिट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल ये ऐसा तनावर खजूर का दरख्त बनकर ज़मीन पर लहलाने लगे जिसमें फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाएं तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान ले आऊँगा, गोया मुसलमान हो जाऊँगा। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुठली को मिट्टी के नीचे दबा दिया और उस पर पानी डाला और अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ भी की और वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। उस यहूदी को दुनियावी असूलों की कसौटी पर यकीन कामिल था कि एक दिन में किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता था, लेकिन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और आपका एतमाद उसके दिल में खटका और ख़दशा ज़रूर पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही न जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे ईमान लाना पड़ जाए। उसने अपने इस वसवसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी असूलों की मदद ली और शाम को उस मकाम पर जाकर जहाँ खजूर की गुठली आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी उसको वहाँ से निकाल लिया और खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दरकिनार, खजूर के दरख्त का निकलना ही मुहाल है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह सुबहान व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमैनी हो जाते हैं। अगले दिन आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी मकामे मुकर्ररा पर पहुँचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक तनावर दरख्त खजूर के गुच्छों से लदा खड़ा है। उस यहूदी ने जब उसकी खजूर को खाया तो उसमें गुठली नहीं थी। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, इसकी गुठली कहाँ है? इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गुठली तो खजूर में नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह सुबहान व तआला के अज़न से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। इस वाक़या के बाद से आज तक बग़ैर गुठली वाली मौजज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती है और दुकानों पर फरोख्त भी होती है। इस खजूर का असल नाम सक्खल है और अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो आप इसे बेदाना खजूर भी कह सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।